IBN 7 हौसला है। नमस्कार, स्वागत है आपका आईबीएन 7 में। मैं आपके साथ पायल भुइन। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की अहम खबर के साथ करेंगे। पूरा उत्तर भारत इस वक्त ठंड और कोहरे के कहर से जूझ रहा है। दिल्ली में ठंड से 3 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली एनसीआर में कई जगहों पर घना कोहरा छाया हुआ है। रविवार रात से दिल्ली एनसीआर में कोहरे का यही हाल है। आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पे अभी जो हम आपको तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं उसमें आप देख सकते हैं, जिसमें पहली तस्वीर घने कोहरे की है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों को घने कोहरे में गाड़ी चलाने में दिक्कत पेश आ रही है। दूसरी तस्वीर कोहरे की मार झेल रहे ट्रेन्स की है। आपको बता दें कि कोहरे की वजह से 150 से ज्यादा ट्रेन्स देरी से चल रही है, जबकि 12 ट्रेन्स को रद्द कर दिया गया है। वहीं तीसरी तस्वीर एयरपोर्ट की है। आपको बता दें कि एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी महज 50 मीटर से भी कम है। इसका सीधा असर फ्लाइट्स पर पड़ रहा है। कोहरे में रेंग रेंग कर चलती गाड़ियां, ट्रेनें, रद्द हुई फ्लाइट्स, यह हाल उत्तर भारत का है, जहां कोहरे और ठंड के कारण सब कुछ लाचार सा नजर आ रहा है। फिर चाहे वो सड़क पर चल रहे वाहन हो, पटरी पर दौड़ती रेलगाड़ियां हो या फिर विमान, कोहरे की मार ने सबको बेबस कर दिया। पूरे उत्तर भारत में चल रही शीतलहर का कहर रविवार को सबसे ज्यादा देश की राजधानी दिल्ली में देखने को मिला। रविवार को पड़ी ठंड और कोहरे ने न सिर्फ पिछले 5 साल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया, बल्कि इससे 3 बेघर लोगों की जान तक चली गई। वो भी तब जब दिल्ली के गवर्नर नजीब जंग ने गरीबों को ठंड से बचाने के लिए खास इंतजाम करने के आदेश दे रखे हैं। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि राजधानी दिल्ली का ये हाल है तो देश के बाकी इलाकों का क्या हाल होगा। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में भी ठंड से राहत के कोई आसार नहीं। कोई चेंज नहीं होने वाला है इतना बड़ा, तो अगले 2 दिनों के लिए तो हमने घने कोहरे की और ठंड की चेतावनी दे रखी है। उत्तर प्रदेश में भी ठंड और कोहरे का कहर साफ तौर पर देखा जा सकता है। लगातार पड़ रही ठंड के कारण यहाँ जिंदगी पटरी से उतर गई है। लोगों को घर से बाहर निकलने में काफी सोचना पड़ता है। वहीं बुंदेलखंड के महोबा में तो एक राजकीय कर्मचारी सहित ठंड से 6 लोगों की मौत हो चुकी है। औरैया जिले में 3 डिग्री की ठिठुरती सर्दी ने अब तक 5 लोगों की जान ले ली है। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार के सख्त आदेश के बाद महोबा के DM गरीबों को कंबल बांटते हुए भी नजर आए। 2 चीजें थे, एक तो अलाव देखना था, यहाँ अलाव नहीं है क्या? अलाव देखना था कि अलाव जल रहा है नहीं जल रहा, और दूसरा जो गरीब आदमी है ठंड से सिकुड़ रहे हैं उनको कंबल वितरण का था। कोहरे और ठंड से बिहार भी अछूता नहीं है। पटना में पारा 8 डिग्री के करीब बना हुआ है। पटना से गुजरने वाली राजधानी एक्सप्रेस जैसी VVIP ट्रेनें भी वक्त से नहीं चल पा रही। उधर सहरसा में ठंड की वजह से अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है। शाम होते ही पूरा शहर घरों में दुबकने को मजबूर हो जाता है। कटिहार में भी पिछले 6 दिनों से जारी कड़ाके की ठंड से 2 लोगों के मरने की खबर है। तो ठंड से बचाव के चक्कर में आग से झुलस कर दर्जनों लोग अस्पताल में भर्ती हैं। कमर अम्मर आ रहा है तो ही आकाधे हैं, और जो लाख लोग रहा चले गए, और लकड़ी कल शाम का गिरे रहा, कुछ नहीं है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल समेत तमाम शहरों में सर्द लहर लोगों को ठिठुरने पर मजबूर कर रही है। हिल स्टेशन पचमढ़ी में तो पारा गिरकर 0 से नीचे पहुंच गया है। आने वाले दिनों में भी उत्तर से आती सर्द हवाओं की वजह से पारा नीचे ही बना रहेगा। कड़ाके की ठंड के बीच मौसम विभाग साफ कर चुका है कि आने वाले दिन भी सर्दी और कोहरे की चादर में लिपटे रहने वाले हैं, यानी कोल्ड अटैक अभी कुछ और दिन यूं ही झेलना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7। और देश के अलग अलग हिस्सों से ठंड का ताजा अपडेट बताने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे 2 संवाददाता। दिल्ली से पुनीत हमारे साथ मौजूद है और पटना से चंद्रमोहन। लेकिन सबसे पहले रुख पुनीत त्रिपाठी का करते हैं। पुनीत, आप इस वक्त स्टेशन पे मौजूद है। 150 से ज्यादा ट्रेन लेट चल रही है, 12 से ज्यादा ट्रेन जो है वो रद्द हो चुकी है। जाहिर तौर पर मुसाफिरों को परेशानी हो रही होगी।
जी बिल्कुल पायल, और अभी की हालात बता दें कि अगर फ्लाइट्स की हम बात करें तो अभी रनवे की विजिबिलिटी जो है वो नील है, इस वक्त जो है नील है। हालांकि सुबह के वक्त जो था वो 50 मीटर के आसपास था, लेकिन अभी नील है, यानी कोई भी फ्लाइट जो है वो टेक ऑफ और लैंड नहीं कर सकती। और वही हाल यहाँ स्टेशन पे भी है कि लोग परेशान हैं, घंटों ट्रेनें देरी से चल रही हैं। आप कौन सी ट्रेन के लिए आप लोग आए हैं और कब से आए हैं, कितनी लेट है आपकी ट्रेन? 1201 कालका शिमला शताब्दी एक्सप्रेस हमारी ट्रेन है, और वो यहाँ से सुबह 7:35 पे जाने वाली थी, वो पूरे 4 घंटे लेट है, और 11 बजे उसका टाइम है अब जाने का। और आगे हमने जो टॉय ट्रेन बुक कर रखी है उसका 400 रुपये हमारा है, हम पूरे कैंसिल होगा। आप लोग क्या पता करके नहीं आए थे? पता करके आए थे, पूरा नेट पे हमने चेक किया, बिल्कुल टीम वो था यहाँ पे आके हमें बिल्कुल पता लगा कि अभी 4 घंटे लेट है, वो ठीक समय पे जानकारी नहीं मिल पाई। बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल ठीक समय पे जानकारी। आप कौन सी ट्रेन पकड़ने आए हैं, कितनी लेट है वो? 6:30 बजे टाइम है, अभी कह रहे 1-2 बजे आएगा ट्रेन, दोपहर के 2 बजे आएगी। हाँ जी, तो 2 बजे तक यहीं रहेंगे, तो क्या करें, रहना पड़ेगा, तो दूर से जाना है, गुड़गांव से आया, पता नहीं कि ये घर से निकल, नेट से पता किया था, 6:30 बजे टाइम ही बताया था। आपको लग रहा है कि सही जानकारी जो है नेट पे दी जा रही है, जो नेट से आप लोग देखते हैं या फोन करते हैं? नहीं, नेट पे जानकारी दी तो जा रही है, लेकिन वो अपडेट नहीं कर रहे हैं, टाइमली अपडेट नहीं कर रहे हैं। जैसे मैं अपने रिलेटिव को यहाँ पर लेने आया हुआ हूँ, लेकिन हमारी ट्रेन पिछले 2 घंटे तक गाजियाबाद में ही खड़ी है, ट्रेन पे अपडेट ही नहीं कर रहे हैं। उसका क्या स्टेटस ले रहे थे, उसमें लेट दिया जा रहा है, 20 मिनट लेट दिया जा रहा था, लेकिन यहाँ आके पता लग रहा है कि 4 घंटे लेट दिया जा रहा है। ये एक कमी है पायल, बहुत बड़ी, और हर बार ये कहा जाता है कि इस बार सिस्टम को सुधार लिया जाएगा, लेकिन हर साल हम लोग ऐसे ही आते हैं और ये परेशानी बरकरार रहती है। 20 मिनट की देरी नेट पे बताया जाता है, यहाँ आने पर पता चलता है कि ट्रेन 4 घंटे लेट है, यानी जरूरत है अभी सिस्टम को और अपडेट करने की। पायल जी बिल्कुल, पुनीत आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ पटना से चंद्रमोहन भी हैं। चंद्रमोहन, दिल्ली में हमने देखा कि क्या हाल है सर्दी का, पटना के कैसे हालात हैं? बिल्कुल, हम चंद्रमोहन से दोबारा से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन दिल्ली में आप देख रहे हैं कि कोहरे का कोहराम भी है, तापमान नीचे जा चुका है 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास। पुनीत त्रिपाठी लेकिन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। पुनीत, 3 लोगों की मौत राजधानी दिल्ली में ठंड की वजह से, शेल्टर्स होम की बात की जाती है और सारी सुविधाओं के बावजूद यह हालत राजधानी में? देखिए, ये तीनों लोग वो हैं कि जो होमलेस थे एक तरीके से, और कहीं ना कहीं जो है वो बेघर हैं, छत नहीं उनके पास नसीब है। कहने को सरकार ने कहा है कि हम शेल्टर होम्स हमने बनाए हुए हैं, लेकिन अभी भी ये हालात है कि लोगों को खुले में रहना पड़ रहा है, और इस तरीके से लोग जो है वो ठंड से कहीं ना कहीं मर रहा है जी। और पुनीत, ये जो शेल्टर्स होम होते हैं उनमें कैसे सुविधाएं कैसी होती हैं? देखिए, जितनी संख्या में शेल्टर्स होम होने चाहिए उस तरीके से नहीं है, बहुत कम संख्या में है, और कई जगहों पे ये देखने को भी मिलता है कि उन शेल्टर होम्स पे बहुत सारे लोगों को कब्जा हो जाता है, ये सबसे बड़ी परेशानी की बात है। आज एक और चीज़ हम बताएं, कल से और आज में क्या फ़र्क आया है, तो थोड़ा मैं स्टेशन के दूसरी तरफ पैन करके अगर मैं दिखाना चाहूँ तो आज कहीं ना कहीं हल्की जो है सूरज की किरण इस वक्त मुझे देखने को मिल रही है, लेकिन कल ये जो हालत थी वो बेहद ख़राब थी। 11 बजे तक बिल्कुल भी सूरज नहीं निकला था, लेकिन आज थोड़ी उम्मीद लग रही है कि मौसम थोड़ा जल्द साफ हो पाएगा, और जिससे जो है कम से कम ठंड से राहत जरूर मिलेगी। पायल जी बिल्कुल, पुनीत हम आपके पास लौटेंगे, लेकिन पटना का रुख कर लेते हैं चंद्रमोहन के पास। चंद्रमोहन, आपने देखा कि दिल्ली में कैसे हालात है, पटना में क्या हाल है? बिल्कुल, देखिए पटना में भी कुछ वैसे ही हालात हैं। अगर ठंड की बात करें तो पिछले 4 दिनों से यहाँ पर धूप नहीं निकला है, और कोहरे की वजह से लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया, और शाम होते ही जो ठंड हवाएं चल रही हैं जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अगर हम बिहार के विभिन्न जिलों की बात करें तो गया में अभी तापमान 4 डिग्री के करीब पहुँच गया है, और वहीं सहरसा में अब तक ठंड से 11 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कटिहार में 2 लोगों की मौत की खबरें हैं। तो कुल मिलाकर ये देखा जाए तो जो सर्दी का सितम है वो लगातार जारी है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, और जिन लोगों को सुबह में दफ्तर पहुंचना है उनको तो खास तौर पर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिस तरह से लगातार ठंड पड़ रही है उसकी वजह से जो फ्लाइटें आने वाली हैं उनको रीशेड्यूल कर दिया गया है, और पटना में जो भी फ्लाइटें पहुंचने वाली हैं वो 12 बजे के बाद पहुंचती है, और 7 बजे से पहले उसको यहां से चले जाना है। साथ ही जो स्कूल है, प्राइवेट स्कूल या सरकारी स्कूल की बात करें तो वो 2 जनवरी तक के लिए बंद कर दिया गया है। तो जिस तरह से लगातार
सर्द हवाओं का चलना जारी है, ठंड जारी है, उससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और मौसम विभाग के मुताबिक यह आने वाले दिनों में और एक सप्ताह तक झेलना पड़ सकता है। बिल्कुल, मौसम विभाग का यही कहना है कि अगले आने वाले कुछ दिनों में ठंड कम नहीं होगी। बहुत बहुत शुक्रिया पुनीत आपका भी और चंद्रमोहन आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ताजा अपडेट देने के लिए।